Hi guys, this is Manpreet and welcome to my channel. So I'm back with another interesting DIY video जो आपने already thumbnail में देख लिया होगा that I did a makeover to my old truck. इसको बनाने का मेरा purpose ये था कि मुझे एक sitting arrangement वाला video बनाना था और मेरे पास side table नहीं थी. So I thought why to buy a new side table जब मैं घर पे रखी चीजों को रीयूज करके कुछ इंटरेस्टिंग बना सकती हूँ. और जो चीजें हम अपने हाथ से बना के घर को सजाते हैं ना, उसकी बात ही अलग होती है. सो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि जो भी मैं वीडियोज लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे. नाउ लेट स्टार्ट द मेक ओवर. तो यहाँ पे मैं उठा के ले आई हूँ पुराना वाला पापा का ट्रंक. ये मेरे फादर इन लॉ का है और फिर मैंने सोचा कि इसको कौन से कलर में पेंट किया जाए. फिर मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं ब्लू कलर से पेंट करूंगी और स्प्रे पेंट यूज करूंगी मैं ताकि मेरा काम जल्दी हो जाए. और स्प्रे पेंट करने के लिए हमें बिछा लेने हैं बहुत सारे न्यूज़पेपर ताकि हमारा फ्लोर गंदा ना हो. और अब आप एक बार इसका बिफोर लुक देख लीजिए कि ये पहले कैसा दिख रहा था. और फिर मैंने अच्छे से ट्रंक को किया क्लीन और फिर उसके बाद मास्क बहुत ज़रूरी पहनना है अगर आप स्प्रे पेंट कर रहे हो. तो चलो पेंट करना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने बॉटल को अच्छे से शेक कर लिया है और अब हम इसको पेंट कर लेंगे. आप चाहो तो इसको विंटेज लुक देने के लिए थोड़े थोड़े स्प्रेज भी दे सकते हो. मैंने जो अपनी लास्ट सिटिंग वाली वीडियो बनाई थी ना, उसमें मैंने ऐसे ही बनाया था, गोल्डन स्प्रे पेंट किया था, सिर्फ छोटे छोटे स्ट्रोक्स ही दिए थे ताकि थोड़ा ब्लैक भी दिखे और गोल्डन भी दिखे. वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप चेक कर लेना. उसके बाद हमें इसको रेस्ट देना है ड्राई होने के लिए कम से कम 3 to 4 hours के. उसके बबाद मैंने एक कोट वार्निश का भी लगाया ताकि ट्रंक का कलर जल्दी से खराब ना हो और वाटर रेजिस्टेंस भी हो जाए. और यहाँ पे मेरा बहुत सारा वार्निश लग गया, मेरी पूरी बॉटल खत्म हो गई. और फिर उसके बाद हमें फिर से रेस्ट देना है इसको ड्राई होने के लिए. और अब हम इस पर स्टेंसिलिंग करेंगे. उसके लिए मैं ये स्टेंसिल ले रही हूँ, ये मैंने इट्सी बिट्सी से परचेज़ किया था, लिंक मैं दे दूँगी, आप देख लेना. अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है तो आप पेंट भी कर सकते हो. और साथ ही मैं ले रही हूँ ये मिक्स्ड मीडिया पेस्ट, ये आप घर पर भी बना सकते हो. अगर आपको जानना है ये कैसे बनता है तो आप मुझे इंस्टा पर DM कर सकते हो. और नाइफ और इस पेस्ट की हेल्प से हम एक टेक्सचर बनाते चलेंगे पूरे ट्रंक पे, कुछ इस तरीके से. वैसे तो ये बहुत इजी प्रोसेस है, कोई भी कर लेगा, बट इसका डिफिकल्ट पार्ट ये है कि हमें हर बार स्टेंसिल को वॉश करना है, नहीं तो ये वाइट पेस्ट यहाँ वहाँ चिपक जाएगा. इसीलिए बार बार मुझे इसको वॉश करना पड़ रहा था. बहुत सारा मेहनत का काम हो जाता है, दिखने में बहुत इजी लगता है, बट पूरा कंप्लीट होने के बाद जो इसका फाइनल रिजल्ट देखा ना मैंने, तो लगा कि सारे एफर्ट्स वर्थ इट थे. और आप इस ट्रंक को एज अ साइड टेबल, कॉफी टेबल, कैसे भी करके यूज कर सकते हो और एक अच्छा स्टोरेज ऑप्शन तो ये है ही. और ऐसे ही हमारे घर पे बहुत सारी पुरानी चीजें पड़ी होती है, हम क्या करते हैं उनको फेंक देते हैं, बट उनको रीयूज करके हम कुछ ऐसा एंटीक पीस बना सकते हैं. और मैंने बहुत सारी मेहनत के बाद ये ऊपर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है. और साथ साथ हम क्लीन भी करते जाएंगे जो भी एक्स्ट्रा वाइट वाइट पार्टिकल्स गिर जाएंगे ना, और इसे साथ की साथ ही क्लीन करना है वरना तो ये ड्राई हो जाएगा, फिर उतरेगा नहीं. और मैं ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस टेबल को यूज़ करने के लिए. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो भी देखना और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो क्योंकि पिक्चर्स वहाँ पे शेयर करती हूँ मैं. और ये देख लो मेरा रियल स्ट्रगल पेंट करते हुए. तो फाइनली हमने स्टेंसिल वाला पार्ट ख़त्म कर लिया है. अब हम इसको थोड़ा सा और एनहांस करेंगे. मैं इसके लॉक पे लगा रही हूँ ये कॉटन थ्रेड, इससे थोड़ा ये लॉक इसका खिल के आएगा. और यही सेम चीज़ मैं दोनों हैंडल्स पे भी लगा दूँगी. और अब देखना आप इसका फाइनल रिज़ल्ट. मुझे तो ये बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ये वीडियो बिल्कुल मेरे दिल के करीब है.
और एक और ट्रंक रखा है मेरे पास। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो मैं नेक्स्ट एक और ट्रंक मेकओवर लेके आऊंगी। तो कैसा लगा आपको आज का ट्रंक मेकओवर? नेक्स्ट वीडियो में ज्यादा अच्छे से पता चल पाएगा क्योंकि हम अच्छे से इसको अरेंज करके रखेंगे अपने सिटिंग मेकओवर में। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। वैसे मैंने सिटिंग अरेंजमेंट वाली दो तीन वीडियो और भी बनाई है, आई एम श्योर आपने देखी होंगी। अगर नहीं देखी तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप चेक कर लेना। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, सिटिंग अरेंजमेंट वाली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।